गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ओपन योर बुक इंग्लिश एंड पेज नंबर 2 पर आ जाएं। ओके, सबसे पहले आप अपनी डेट एंड डे मेंशन करें। ओके, वेरी गुड। अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगेन हमने रीडिंग करनी है। ओके, इसमें भी आपने वही करना है, आ किन वर्ड्स के साथ लगाएंगे और एन किन अल्फ़ाबेट्स के साथ लगाएंगे। ठीक है, आ उनके साथ यूज़ होता है जो कॉन्सनेंट्स होते हैं, और एन वोवल्स के साथ यूज़ होता है। ठीक है, जिसका फर्स्ट लेटर वोवल होगा उसके साथ हम एन यूज़ करेंगे, और जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सनेंट होगा उसके साथ हम आ यूज़ करेंगे। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। What is this? It is a quilt. It is a quilt. Very good. Next, what is this? Very good. It is a rope. It is a rope. Next, what is this? Very good. It is a snail. It is a snail. Next, what is this? It is a tap. It is a tap. What is this, students? It is an umbrella. It is an umbrella. इसके साथ हमने एन क्यों रीड किया है? क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर वोवल है, इसीलिए हमने इसके साथ एन यूज़ किया है। इट इज़ एन अम्ब्रेला। आज के लिए हम बस इतनी ही रीडिंग करेंगे। स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को लिखने के लिए हम ऐसे पैटर्न यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले सेंटेंसेस रीड किए और राइट किए, इसको भी ऐसे ही हम रीड करेंगे और देन राइट। सबसे पहले आप अपनी कॉपी अच्छे से रेडी करेंगे और ऐसे आप अपने सारे सेंटेंसेस राइट कर लेंगे।